नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में कोरोना की पहली लहर ने लोगों को चेतावनी दी थी कि इस भयानक महामारी से निजात पाने के लिए सुरक्षा के साथ दूरियां बनाना कितना अहम है, मगर आर्थिक समस्याओं के कारण ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन लगाना संभव नहीं है। इसलिए पहली लहर में मामले कम होते ही सेवाओं को कुछ सुरक्षा मानकों के साथ बहाल कर दिया गया और लॉकडाउन को खोल दिया गया। हालांकि लोग इस बात से बेफिक्र पहले की तरह घूमना फिरना करते रहे, जिसने दूसरी लहर को खुलेआम देश के कोने कोने तक तबाही मचाने के लिए आमंत्रित कर दिया। वहीं अब देश का काफी नुकसान करने के बाद दूसरी लहर भी धीरे धीरे कम हो रही है। अब भारत में रोजाना औसतन 50,000 से कम संक्रमित मिल रहे हैं, इसलिए जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन को खोला जा रहा है। लोगों ने भी पहले की तरह ही मामला घटता देख फिर से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए घूमना फिरना छुट्टियां मनाना शुरू कर दिया है। मगर इस बीच लोग यह भूल रहे हैं कि इन्हीं गलतियों से तीसरी लहर एंट्री लेने के लिए तैयार खड़ी है। इस मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और लोगों को चेतावनी जारी की है। दरअसल दूसरी लहर में मामलों में कमी आने के बाद कई पर्यटन स्थलों को फिर से खोल दिया गया है। खासकर गर्मियों का सीजन चलने के कारण लंबे समय से घरों में बंद लोग अब मनाली शिमला का रुख करते हुए हाल ही में देखे गए हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ रही है। ऐसे में IMA के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फिर से लापरवाही बरतना खतरे को आमंत्रित करने की तरह है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी राज्यों और केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखकर भेजी है, जिसमें सभी सरकारों को कम से कम 3 महीने के लिए कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने की अपील की गई है। IMA ने कहा है कि पर्यटक, तीर्थ यात्रा, धार्मिक उत्साह सभी की जरूरत है, लेकिन कुछ और महीने तक इंतजार कर सकते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल ने चिट्ठी में कहा है कि देश केवल कोविड महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से निकल रहा है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक सबूत और किसी भी महामारी के इतिहास को देखें तो यह साफ है कि तीसरी लहर आएगी और जल्द ही आने वाली है। इसलिए यह दुखद है कि थर्ड वेव की संभावना के बीच भी सरकार और जनता दोनों ही बेफिक्र हैं और जगह जगह भीड़ लगाई जा रही है। इसके अलावा IMA ने यह भी कहा है कि पर्यटन या धार्मिक तीर्थ यात्रा को खोलना और बिना टीका लगवाए लोगों को भीड़ में जाने की अनुमति देना कोरोना की तीसरी लहर के लिए संभावित सुपर स्प्रेडर है। आपको बताते चले कि विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि जून जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर कम होगी और सितंबर अक्टूबर तक तीसरी लहर के आने की संभावना है। भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, जो कि खतरनाक और तेजी से फैलने वाला माना जाता है। ऐसे में सरकार को सोच समझकर फैसले लेने होंगे और लोगों को सावधान रहना बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।